अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो पीएम ट्रिपल एस के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस आधार ऑथेंटिकेशन में जो कैंडिडेट्स का इशू आ रहा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का आधार ऑथेंटिकेशन या अंडरटेकिंग AIST ने रिजेक्ट कर दी है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे अब आपको उसको ठीक करना है, क्या आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि AIST की तरफ से आधार ऑथेंटिकेशन करवाना और उसके साथ साथ अंडरटेकिंग को अपलोड करना कंपलसरी रख दिया गया था तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फ्रेश बैच के हों, चाहे वो प्रीवियस किसी भी ईयर किसी भी बैच के कैंडिडेट्स हों, सभी को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना और उसके साथ साथ अंडरटेकिंग को अपलोड करवाना कंपलसरी था। इस बीच यहाँ पे जब कैंडिडेट अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं, अंडरटेकिंग उसको अपलोड कर रहे हैं, अभी तो वैसे साइट अच्छी तरह से चल रही है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का AIST से रिजेक्ट हो रहा है। किसी का कुछ इशू आ रहा है, किसी का कुछ इशू आ रहा है। अब खासकर जो फ्रेश बैच के कैंडिडेट्स हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ है, और जब भी आगे चल के भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट जिनका रिजेक्ट हुआ है उनको मेल भी आई है, मैसेज भी आई है। अब वो स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या हमारा स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या रिजेक्ट हुआ, इसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया उनका पोर्टल तो ओपन हो चुका है, अभी आपको स्कॉलरशिप के लिए क्लेम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक दो दिन में जो वो अच्छी तरह से आप लोगों का जो वो अपडेट हो जाएगा। अभी साइट में बहुत सारे इश्यूज हैं आप लोगों के, तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। फिलहाल आप रुक लो, AIST से भी कंफर्मेशन आ जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करके जो वो वीडियो के जरिए समझा दूंगा कैसे करना होगा, क्या कुछ करना होगा। फिलहाल आप एक दो दिन वेट कर लो। तो देखिए जिन कैंडिडेट्स ने आधार ऑथेंटिकेशन करवा ली है, जिन कैंडिडेट्स का वहां पर रिजेक्ट हुआ है, अब जिनको रिजेक्ट हुआ है उनको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। उसमें या तो आपका आधार पे नाम एक था और उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म में नाम दूसरा था, या आधार पे एक नाम था डॉक्यूमेंट्स पे दूसरा नाम था, उससे भी आप लोगों का रिजेक्ट हुआ है, या काफी सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट इस वजह से भी हुआ है, उन्होंने जो अंडरटेकिंग अपनी अपलोड की है किसी ने कॉलेज के फॉर्मेट पे जिस पे कॉलेज का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है तो उस पे भी उन्होंने डाली है तो वो भी रिजेक्ट हुआ है, या किसी ने कुछ भी उसमें करेक्शन, किसी ने ईमेल नहीं लिखी थी उसमें तो उसका भी रिजेक्ट हो गया, किसी ने अपना मोबाइल नंबर उसमें नहीं लिखा था उसका भी रिजेक्ट हुआ, किसी ने अपना साइन उस पर नहीं किया था उसका भी रिजेक्ट हुआ, किसी पे जो वो कॉलेज का जो वो सिग्नेचर नहीं था तो उसका भी रिजेक्ट हुआ है। तो इन्हीं छोटे छोटे रीजंस की वजह से आप लोगों का वहां से AIST से रिजेक्ट हो रहा है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, आप टेंशन मत लो, आपका स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं हो जाएगा। आपको क्या काम कर लेना, अगर आपका रिजेक्ट हुआ किसी भी रीजन की वजह से, अगर आपका नाम मिसमैच आ रहा है, आधार कार्ड पे एक नाम है और वहां पे डॉक्यूमेंट्स पे दूसरा नाम है, तो उस कंडीशन में आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लो और उसके साथ साथ 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका आधार अपडेट हो जाता है, उसके बाद आप उसको आधार ऑथेंटिकेशन फिर से करवा लो या अंडरटेकिंग जो भी है उसको फिर से अपलोड करवा लो और आपका उसमें वेरीफाई हो जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट का ईमेल की वजह से रिजेक्ट हुआ है, आपको जब मेल आ जाएगी उसी में लिखा होगा क्यों आपका रिजेक्ट हुआ है, या मोबाइल नंबर मेंशन नहीं है उस वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो टेंशन मतलब दोबारा से अंडरटेकिंग को अपलोड करवा लो। ठीक, जो फॉर्मेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वहीं से अंडरटेकिंग जनरेट होकर आती है, आपको जस्ट उसमें कुछ डिटेल्स अपनी भरनी होगी, जैसे अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना साइन करना और कॉलेज का भी आपको जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनकी स्टैंप और साइन वगैरह डाल के बस उतना करना और अपलोड कर देना। ठीक, जिस भी कारण की वजह से, जिस भी रीजन की वजह से आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आप सिंपली उसको करेक्ट करके दोबारा से उसको अपलोड कर देना, तो आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आधार ऑथेंटिकेशन की वजह से किसी भी कैंडिडेट का स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं किया जाएगा, किसी कैंडिडेट की आईडी डीएक्टिवेट नहीं होगी। टेंशन मतलब परेशानी मतलब ये कंपलसरी रखा गया है ताकि स्टूडेंट अदर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई ना करे, और अगर उसने कर भी दी किसी अदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तो AIST आसानी से उसका रिजेक्ट कर देगी। उसी लिए आप लोगों को जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा उतना बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इशू है नहीं। तो आपका जो भी इशू होगा जिस वजह से रिजेक्ट हो रहा है दोबारा अपलोड कर लो, वो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, सॉरी रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी बात रही आपकी जो है वो स्कॉलरशिप क्लेम के बारे में, स्कॉलरशिप क्लेम के बारे में मैं जो है वो एक दो दिन तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे करना होगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, आप लोग क्लेम कर देना। और जो भी प्रोसीजर होगा चाहे DBT का हो या चाहे DBT ना हो, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे कुछ होगा, क्या कुछ होगा, AIST को करना होगा, वो मैं आपको आने वाले वीडियोज में समझा दूंगा। फिलहाल जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेरी थी वो मैंने आपको क्लियर करी। कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते।